उत्तराखंड में आज कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में टिकट वितरण सहित कई अन्य विषयों पर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी में भी कई बैठकों का दौर आज से शुरू होगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, सरदार आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 30 मामले सामने आए, जिसमें 27 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी थी। हालांकि मुख्य रूप से नई खेल नीति 2021 पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। तो ऐसे में आज जो है महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की भी तमाम बैठकें आज से शुरू हो रही हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की भी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। आज महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए उनमें इस राज्य की नई खेल नीति को प्रक्षेपित करने का निर्णय, जिसमें बहुत से इंसेंटिव्स 8 वर्ष से 13 साल के बच्चों को जिसके अंदर प्रतिभा हो उसको लगातार किस तरह भविष्य में एक खिलाड़ी के रूप में हम लोग स्थापित कर सकें उसका प्राविधान, इसके अलावा तमाम तरह की निधियाँ जिससे कि खेलों को प्रोत्साहन अवस्था सुविधाएँ और साथ साथ आउट ऑफ टर्न नियुक्ति समूह ख और ग के पदों में करने के में का इसमें प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अच्छे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी पर भी आउट ऑफ टर्न सरकार उनको नौकरी दे सके। चलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, 2 से 3 महीने से भी कम के समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की आज ये महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। चलिए ठीक है, सुभाष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज से कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में इसीलिए इन बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सुभाष, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ठीक है सुभाष, ठीक है, आपकी आवाज भी आ रही है। जिस तरह से सुभाष देखा जाए विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी बेहद नजदीक है, 2 से 3 महीने का समय ही बचा है, ऐसे में आज ये कांग्रेस और बीजेपी की कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2022 के चुनाव बहुत नजदीक आ गए, ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं और खासतौर से जो मुख्य दल हैं उत्तराखंड के, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर विपक्ष में कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही दलों की जो बैठकें हैं एक महत्वपूर्ण बैठक दोनों ही राजनीतिक दलों के भी होनी है, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो की जानी है, ताकि जो प्रत्याशी हैं उनके जो चयन बोर्ड है यानी कि प्रत्याशियों की जो लिस्ट है कि इस विधानसभा में कितने प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं और उनमें से किसका मुख्यतः चयन किया जाना है, 3 लोगों की लिस्ट हर विधानसभा सीट से बनाई जानी, इसकी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है जो वो जल्द ही जारी करेंगे आचार संहिता के बाद, उस लिस्ट को लेकर इस स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा की जा सकती है कि कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नाम है जो सबसे पहले मैदान में उतारे जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, जिस पर कांग्रेस सबसे ज्यादा भरोसा करती हुई नजर आएगी 2022 के विधानसभा चुनाव पर। वहीं अगर बात कर ली जाए भाजपा की, तो भाजपा की महत्वपूर्ण बैठकें हैं क्योंकि उनके चुनाव प्रभारी पहुंचेंगे, सह प्रभारी पहुंचेंगे और क्योंकि उनकी तैयारियां पहले से चल रही थी विधानसभा स्तर पर, बैठकों बड़े लंबे समय से चल रही थी, बूथ स्तर पर बैठकें चल रही थी और सबसे खास बात प्रभारी बनाए गए थे और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस तरीके की रणनीति आगे आगामी दिनों में भाजपा द्वारा बनाई जाती है, कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिनको मैदान में उतारा जाएगा उत्तराखंड के और बड़ी रैलियां जिनकी कराई जाएगी, इन सब पर मंथन आज भाजपा पर किया जाएगा। तो कुल मिला के विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं और तैयारी में पूरी तरीके से नजर
आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए अगर बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस तो आज बड़ी बैठक करने ही जा रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी की कल कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे की रणनीति तो बीजेपी लगातार बनाती ही जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी को वापसी करने की भी बहुत बड़ी चुनौती है। उधर कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा है तो वो चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले वो जनता के बीच अपनी जो पैठ है वो बना पाए। और सबसे बड़ी चीज है जनता के हितों के लिए, स्थानीय लोगों के हितों के लिए जो बेहतर प्रयास हैं, जो बेहतर फैसले हैं वो सरकार द्वारा लिए जाएं। तो कहा जा सकता है कल की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो खेल नीति पर रखा गया था, क्योंकि प्रदेश में खेल के स्तर को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं प्रतिभाशाली खिलाड़ी उत्तराखंड से निकलते हैं लेकिन ये देखा जाता है कि वो अन्य स्टेट से खेलते हुए नजर आते हैं और उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं खेल में काफी पीछे हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि खेल पर मेन फोकस सरकार द्वारा रखा गया था। वहीं अगर जैसे आपके सवाल था कि बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ सी बात है कि चुनाव के समय में इस तरीके की राजनीतिक बैठकें जरूर होती हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन बैठकों से कितना फायदा किस राजनीतिक दल को मिलता है ये 2022 में देखने को मिलेगा। जी जी चलिए ठीक है सुभाष, आप नजर बनाए रखिएगा बैठक में पूरे दिन भर क्या कुछ होगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आज उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी बड़ी बैठकें होने जा रही है, बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो आगे की रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी।